आज मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ जो कि वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स की मौज करा सकता है, आपकी ज़िंदगी आसान बना सकता है और आपको आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी हेल्प कर सकता है। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स के रिव्यूज़ करता रहता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले एक सास प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है वेव डॉट वीडियो, जो कि अभी स्पेशली ब्लैक फ्राइडे पर आया है आप सुमो के ऊपर कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, जो कि आपको यहाँ पे लाइफ टाइम डील उसकी मिल जाएगी। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। यहाँ से आप लोग ऑनलाइन वीडियो एडिट कर सकते हो एकदम बढ़िया तरीके से, पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हो ऑनलाइन वाली, लाइव स्ट्रीम कर सकते हो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, काफ़ी सारे इसके अंदर AI टूल्स भी हैं और अपनी स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। वेव डॉट वीडियो कंपनी के बारे में बात करी जाए तो ये 2017 में प्रोडक्ट आया था। उसके बाद ये आप सुमो पे काफ़ी टाइम पहले भी आया था एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स आउट देयर। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी इंप्रूवमेंट्स भी हुए हैं, तो काफ़ी पुरानी और एस्टैब्लिश कंपनी है ये। प्राइसिंग के बारे में बात करें तो आप सुमो पे अभी ये चल रहा है $99 का। इसमें आपको 4 घंटे की स्ट्रीमिंग प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ यहाँ पर आप लोग डाल सकते हो, 4 घंटे की स्ट्रीमिंग कर सकते हो। और जो उसका दूसरा प्लान है वो $198 का रहेगा एंड यहाँ पर आप लोग 12 घंटे की स्ट्रीमिंग प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ वगैरह डाल सकते हो। जो मेन डिफरेंस रहेगा 99 और 198 वाले प्लान पे वो रहेगा क्रिएटर और बिजनेस का। इसमें जो मेन चीज़ है, आपको पॉइंट मैं कर देता हूँ, मेन चीज़ें पहला रहेगा शेयर्ड लॉगिन। इफ़ यू वांट टू शेयर योर लॉगिन विथ योर टीम तो फिर आपको 198 वाला लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग 5 यूज़र्स के साथ शेयर कर सकते हो अपने लॉगिन को, गेस्ट यूजर्स को एक्सेस वगैरह दे सकते हो, दैट इज़ गुड। और जो सेकेंड मेजर डिफरेंस रहेगा वो रहेगा वीडियो होस्टिंग पे। तो वीडियो होस्टिंग पे यहाँ पर आपको 30 GB की स्टोरेज मिलेगी, यहाँ पे 500 GB की स्टोरेज मिल जाएगी और जो ट्रैफिक है वो भी 500 GB पर मंथ का मिलेगा। जी हाँ, इस पर आप लोग वीडियो भी होस्ट कर सकते हो एंड देन उसको अपनी वेबसाइट में एम्बेड भी कर सकते हो। मेरा जो प्लान है वो है $99 का। अब हम लोग देखते हैं इसका यूज़र इंटरफेस। ये रहा इसका यूज़र इंटरफेस, जैसे ही लॉगिन करोगे वाली स्क्रीन आ जाएगी। जो मेन चीज़ है, जो मेन आपका खेला शुरू होगा वो होगा क्रिएट से। क्रिएट में आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग करनी है वो यहाँ से होगी, अगर कोई वीडियो अपलोड करना है वो यहाँ से। टेम्पलेट्स भी इसमें काफ़ी सारे मिल जाती है। डायरेक्टली शुरू करते हैं इसके वीडियो प्लेयर से। तो फॉर दैट वी विल गो हियर, क्रिएट ब्लैंक वीडियो एंड देन यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको इंटरफेस दिखेगा। मेन ये रहा आपका स्क्रीन एरिया, क्या आपका वीडियो है, यहाँ पर सारे आपको एडिटेड वीडियो आपका दिखेगा। नीचे ये रही आपकी टाइमलाइन और यहाँ पर आपको लेफ्ट में जो भी आपको ऑप्शंस वगैरह चाहिए, कैप्शंस वगैरह डालने हैं, वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो लेट्स चूज़ फ्रॉम लाइब्रेरी, मैं एक वीडियो ले लेता हूँ, ये इनकी स्टॉक लाइब्रेरी है। तो यहाँ से लेट्स टेक ऑफ पीपल, यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, इमेजेस चाहिए, वीडियोज चाहिए, फ्री वाला चाहिए, पेड वाला चाहिए, यू कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम हियर। तो लेट्स टेक दिस वन, मैं इसको ले लेता हूँ, आई क्लिक ऐड और ये आ गया हमारा वीडियो टाइमलाइन के ऊपर। इसी तरीके से इफ़ यू वांट टू ऐड मोर थिंग्स यू कैन रिकॉर्ड अ वीडियो, अपलोड कर सकते हो। तो अगर आपके कुछ अपलोड्स वगैरह हैं, जैसे वाला मेरा अपलोडेड था, मैं यहाँ पर इसको भी ऐड कर सकता हूँ और ये भी यहाँ पर मेरे टाइमलाइन में ऐड हो चुका है। इस तरीके से यू कैन रिकॉर्ड वीडियोज़ और ऑडियोज़ या इमेजेस एज वेल। अब लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगे। तो मेन यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं पहले टेम्पलेट से। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी प्री मेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। टेम्पलेट में लेट सपोज इफ आई वॉन्ट टू ऐड एन इंट्रो, तो यहाँ पर मैं इंट्रो सर्च कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर इंट्रो की टेम्पलेट मिल जाएगी। ये वाला डाल लेते हैं इंट्रो, ठीक है, ऐड ऐड टू द बिगनिंग। तो अब ये यहाँ पर इंट्रो इसका आ चुका है, यू कैन एडिट इट। इसकी मुझे टेम्पलेट से बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई है, बट स्टिल यू विल हैव सम गुड ऑप्शन इफ़ यू वॉन्ट टू ऐड इट हियर। यहाँ पे आप लोग ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। देन आता है यहाँ पर स्टॉक्स एंड अपलोड, जो मैंने भी आपको बताया, मीडिया लाइब्रेरी, और यहाँ से आप लोग एक्सेस कर सकते हो। अगर इमेजेस चाहिए अपलोड वगैरह करना है तो यू कैन डू इट हियर। एडिट में ये आपका मेन आ जाता है, मेन चीज़ें सारी आपकी एडिट के अंदर होगी। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर आती है राइट हैंड साइड पर, आपको इस पर इसकी प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन मिल जाता है। इफ़ यू वॉन्ट टू एडिट द प्रॉपर्टीज़, बैकग्राउंड साइज वगैरह कम करना है, दिस इज़ अ वीडियो, तो ये इसकी वॉल्यूम कितनी रहेगी, यू कैन डिसाइड इट हियर। तो जो भी उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है, जैसे अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, यू कैन एडिट द प्रॉपर्टीज हियर। देन वी हैव लेआउट्स, लेआउट्स मुझे अच्छे लगे हैं, लाइक इफ़ यू वांट टू हैव द हाफ स्क्रीन, इसको इस तरह का लेआउट चाहिए, देन यू कैन एंटर सम टेक्स्ट हियर। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट पे चले आऊँगा और यहाँ पर अगेन प्री डिफाइंड आपको टेम्पलेट्स मिल जाएगी, मैं यहाँ पर कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर जनरेटिव सर्च एक्सपीरियंस कर सकता हूँ एंड देन यहाँ पर अगर चाहूँ तो मैं इसको स्प्लिट भी कर सकता हूँ नीचे वाले को वीडियो। तो ये है यहाँ पर स्प्लिट करने का ऑप्शन, स्प्लिट सीन,
फिर मैं वापस यहाँ पे टाइमलाइन पे जाऊँगा, फिर मैं वापस स्प्लिट करूँगा, तो यहाँ पर स्प्लिट होके आ जाएगा। एंड देन मैं वापस से जो इसका लेआउट है वो कर दूँगा डिफ़ॉल्ट वाला। ओवरलेज एंड स्टिकर्स, ये अच्छे लगा है मुझे। यहाँ पर आप लोग काफ़ी सारे स्टिकर्स, ओवरलेज वगैरह जो भी आपको डालने हैं, स्वाइप अप जो हम लोग अपने इंस्टाग्राम वगैरह पर डालते हैं, तो वो भी आपको मिल गया है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्टिकर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन नहीं है, सो दैट्स अ बमर। देन जी आई एफ भी ऐड कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू एड इट बेस्ट ये वाला, तो ये वहाँ पे मैंने जी आई एफ ऐड कर दिया है। देन यहाँ पर अगर आपको इसके ऊपर कोई और मीडिया भी ऐड करना तो वो भी आप लोग कर सकते हो। अगेन मैं यहाँ पे जाऊँगा और जो हमारा लेआउट था, आई विल क्लिक दिस वन ओवरलेज एंड स्टिकर्स, यहाँ पे मीडिया पे चले जाता हूँ, लेट्स क्लिक अपलोड। अपलोड पे ये वाला जैसे वीडियो है मुझे इसको डालना है, तो यू कैन ऐड अ वीडियो लाइक दिस, ये आ गया। तो ये एक और मैंने इसके ओवरले में एक और नया मीडिया फाइल डाल दिया है। एंड देन यहाँ से मैं फ्रेम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे एक ऐसा फ्रेम में चाहिए, लेट्स सेलेक्ट ब्लैक फ़ोन, तो ये फ़ोन के अंदर फ्रेम में आ गया। तो बहुत बार इसकी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी वाइल एडिटिंग वीडियोस। तो फीचर्स इसमें भरपूर मिल जाएंगे आपको, अभी मैं यहाँ पे क्विकली बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वाला। वाटर मार्क्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जो कि वाटर मार्क ऐड करोगे वो यहाँ पे नीचे दिखेगा, तो वाटर मार्क यू कैन ऐड इट अगेन। उसके जैसे मैं यहाँ पे लोगो सिलेक्ट कर देता हूँ, आई कैन सिलेक्ट दिस वन, ये मेरा लोगो है, यहाँ पे वाटर मार्क ऐड हो चुका है। इसमें यहाँ पे ओपेसिटी का ऑप्शन आ जाता है, तो लाइक दिस यू कैन ऐड अ वाटर मार्क एज वेल। इसके बाद ऑडियो है, ऑडियो में यू कैन जस्ट यूज़ एनी ऑफ द स्टॉक ऑडियो फुटेजेस। कैप्शंस में बाद में आऊँगा, स्टोरी बोर्ड ज़्यादा काम का नहीं है। एनहांसर्स में आपको यहाँ पे तीन चार चीज़ें ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे वेव फॉर्म है, तो वेव फॉर्म इज़ लाइक कि जब भी कोई भी बोल रहा है तो उसका ये यहाँ पर आपको वेव फॉर्म देगा, तो यू कैन जस्ट ऐड इट टू योर म्यूजिक वीडियोज़ या ऐसे भी नॉर्मल वीडियोज़ में भी डाल सकते हो, एक अच्छा इंटरेक्टिव ऑप्शन हो जाता है। यू कैन यूज़ इट ऑन योर इंस्टाग्राम रील्स वगैरह, इट इज़ रियली गुड। देन प्रोग्रेस बार है, जैसे आजकल प्रोग्रेस बार नीचे चलते हैं, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में आपने देखा होगा कि कितने मिनट का कितने सेकंड का वीडियो प्ले हो चुका है, तो यू कैन जस्ट सिलेक्ट कि आपको किस तरह से चाहिए, मिडिल में चाहिए तो वो ऐसे आ जाएगा, बॉटम में चाहिए तो इस तरीके से वो आपका प्ले होते जाएगा। जैसे जैसे आपका वीडियो यहाँ पे प्ले हो रहा है वैसे ये प्रोग्रेस बार भी बढ़ते जाएगा, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। देन वी हैव काउंट डाउन टाइमर्स, कितना टाइम बचा है, कितना टाइम हो चुका है, 5 मिनट, 6 मिनट बचे हैं, 4 मिनट बचे हैं, तो चाहो तो काउंट डाउन टाइमर भी ऐड कर सकते हो। अगेन इट्स अ वेरी यूजफुल फीचर, एनहांसर ये लोग इसको बोलते हैं। तो ये थे इसके मेन फीचर्स, काफ़ी सारे फीचर्स हैं, लेआउट्स, टेक्स्ट, इफेक्ट्स वगैरह सब आपको मिल जाता है। ट्रांजिशन भी क्विकली मैं बता देता हूँ, तो जैसे आप लोग दो क्लिप्स ऐड करोगे ये आ गए, यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपका ट्रांजिशन आ गया कि कैसे आपको चाहिए, ब्लर में चाहिए, तो गूगल का जनरेटिव सर्च तरीके से। अरे आ जा भाई, तो ये यहाँ पे वीडियो चल रहा है, दूसरा ब्लर होके आ गया है, तो ये है। बाकी के अगर आपको इफेक्ट्स वगैरह डालने हैं तो यहाँ पर लेआउट्स में आपको मिल जाएंगे कि किस तरह के आपको यहाँ पे इफेक्ट्स डालने हैं, वो सब आपको लेआउट पे मिल जाएगा। अगला फीचर है यहाँ पर एक एआई का फीचर, जो मुझे बहुत अच्छा लगा है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में काफ़ी अच्छा इसने आउटपुट दिया है, वो है एआई कैप्शंस का। क्योंकि अब देखो आप लोग ना बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स वगैरह क्रिएट करते हैं हम लोग, तो हमें कैप्शंस तो उसमें डालने ही रहते हैं, तो यू कैन जस्ट, ये जो वीडियो है ये एक हिंदी वीडियो है, अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप लोग के लिए। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ठीक है, हिंदी वीडियो है, तो अब यहाँ पर मुझे कैप्शन ऐड करना है, हिंदी कैप्शन से मेरे लिए ऑटो जनरेट कर सकता है कैप्शंस पे गया मैं, आई क्लिक ऑटो ऐड कैप्शंस, देन यहाँ पे ऑटो ट्रांसक्राइब का ऑप्शन मिल जाएगा मुझे, आई क्लिक दिस, और इसके बाद यहाँ पर वो मुझे लैंग्वेज पूछेगा मेरी लैंग्वेज क्या है। यहाँ पर अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश सिलेक्ट कर लो, इंग्लिश में तो ये अच्छे दे ही रहा है, हिंदी में भी अच्छे दे रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे दे रहा है वो। तो ये हिंदी वीडियो है, तो आई सेलेक्ट हिंदी, एंड यहाँ पे कितने का कैप्शन है, मैक्स कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए, कौन सा वीडियो है सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पर मंथली लिमिट है मेरे प्लान में 60 मिनट है एक महीने की, वापस से रिन्यू हो जाएगी नेक्स्ट मंथ, 60 मिनट्स मिल जाएंगे, आई क्लिक जनरेट, एंड देन ये रहा मेरा कैप्शन आ चुका है। क्या आप लोग भी लिमिटेड सुन, तो देखो इसने क्या किया है, इसने हिंदी वाली चीज़ें हिंदी लेटर्स में लिखी है, और जो इंग्लिश चीज़ें हैं जैसे लिमिटेड स्टोरेज की वजह से परेशान हो रहे हो, देन क्लाउड स्टोरेज, तो जो इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ उसने वो इंग्लिश ही किया है, जो हिंदी में बोल रहा हूँ वो हिंदी में किया है। एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, हो सकता है आप लोगों के लिए, तो जो इसने कैप्शंस मुझे दिए ना वो काफ़ी अच्छे हैं। और एक और चीज़ इसमें नोटिस करोगे, पहला है मेगा, कि जैसे ही मैं इसमें यहाँ पे बोल रहा हूँ वो उस वर्ड को येलो करते जा रहा है, जीबी की फ्री क्लाउड स्टोरेज मिल जाती है, जीरो नॉलेज, देखो येलो करते जा रहा है जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, तो ये जो इसकी पावर है मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। यहाँ पर आप लोग वॉइस में, वॉइस का कोई काम नहीं है, स्टाइल में यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो किस तरीके से आना चाहिए, डार्क रेड चाहिए, लेस रेड, वो बैकग्राउंड कैसा चाहिए आपको, ट्रांसपेरेंट वाला चाहिए, यू कैन जस्ट सिलेक्ट इट फ्रॉम हियर। और इसमें आपको इफेक्ट कलर क्या होना चाहिए, इफेक्ट कैसे आना चाहिए, सिंगल वर्ड में दिखाऊं तो यहाँ पे सिंगल वर्ड भी दिख सकता है कि जो जो सिंगल वर्ड है सिर्फ वही हाईलाइट हो। मेरे हिसाब से जो कैरोके वाला इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छा है। एंड देन सेटिंग्स में यू कैन जस्ट डाउनलोड दिस कैप्शन एज वेल।
मुझे ये फीचर काफ़ी अच्छा लगा, स्पेशली यूजफुल फॉर शॉर्ट कॉन्टेंट क्रिएटर्स। देन एक और AI का फीचर जो मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा है वो है AI टेक्स्ट टू ऑडियो का। तो ये रहा वो, यहाँ पर है, यहाँ पर जैसे मैं करूँगा जनरेट वॉइस, तो अगर आपको वाले आजकल AI वाले वीडियोस बनाने हैं, इफ़ यू वांट टू क्रिएट दैट, तो आप लोग इसको इंग्लिश में भी कर सकते हो, हिंदी में भी बना सकते हो। पहले मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश में बता देता हूँ। तो जो मुझे इसमें वॉइस एक अच्छी लगी, क्रिस्टोफर की अच्छी लगी, लेट्स सेलेक्ट दैट ऑडियो वन। तो यहाँ पर मैंने एक दिवाली का टेक्स्ट डाल दिया क्योंकि अभी दिवाली चल रही है। लेट्स क्लिक जनरेट प्रीव्यू एंड लेट्स वेट। ठीक है, प्रीव्यू आ चुका है। Brings with it a message of hope and joy. As we light our diyas, let's reflect on the light within us that drives out darkness. तो इसकी AI voice भी अच्छी है। अगर मैंने जितने भी आज तक tool use करे, it is at par with them. ऐसा नहीं है कि इसकी बेकार है, यहाँ बहुत अच्छी है। It is at par with them. And इसमें again आप लोग हिंदी में भी create कर सकते हो। इसमें एक हिंदी voice भी है। तो if you want to add it here, add text to speech. यहाँ पर मैं जाकर के हिंदी select कर लूँगा। टेक्स में मैंने डाल दिया है आप कैसे हो, लेट्स क्लिक जनरेट प्रीव्यू एंड उसके बाद एक प्रीव्यू दे देगा आप कैसे हो। और यहाँ पर आप लोग चाहो तो फीमेल वॉइस भी आपको मिल जाती है, यू कैन जस्ट एड इट हियर और देन उसकी आप लोग स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो AI कैप्शन, AI ऑडियो मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसके बाद यहाँ पर एक और AI वाला फीचर है, ब्लॉग टू वीडियो का। ब्लॉग का लिंक डाल दो, आपको वीडियो बना के दे देगा। मेरे हिसाब से बेकार नहीं है, मैं शो भी नहीं करूँगा, इतना बेकार लगा है मुझे। और वीडियो विथ AI भी है कि AI पे डाल दो और वो आपको वीडियो जनरेट करके दे देगा। अगेन वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा है, तो वो भी मैं उसको शो नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपको डिटेल रिव्यू चाहिए इसका, आपको ये सारे टूल्स के बारे में देखना ही है, आपको मन बना लिया है मुझे लेना है, मुझे ये सब जानना है, तो उसका डिटेल रिव्यू हमारे ब्लॉग पे मिल जाएगा kripeshadvani.com के ऊपर। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो, जाके देख सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड। डिटेल रिव्यू वीडियो से ज़्यादा डिटेल आपको ब्लॉग पे मिलेगा। वेलकम बैक गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लाइट चली गई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब मैं वापस से फुल एनर्जी के साथ वापस आ चुका हूँ वो वाले फीचर्स बताने के लिए जो हमारे मिस हो गए थे पहले। तो वेटिंग हमने पूरा देख लिया है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है वो आता है पॉडकास्ट का। पॉडकास्ट अगर आप लोगों को रिकॉर्ड करना है ऑनलाइन, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा फीचर है। यहाँ पर हमें क्रिएट पे जाना है, वीडियो रिकॉर्डिंग पे जाना है, इसमें एडवांस यूज़ करना है। एंड इसमें आप लोग एक अच्छी खासी पॉडकास्ट कर सकते हो और प्लस लाइव भी आप लोग कर सकते हो, लाइव भी जा सकते हो। उसके ऊपर मैं आगे आऊँगा, पहले मैं आपको पॉडकास्ट बता देता हूँ। तो यूजुअली अगर मेरे को ऑनलाइन लाइव जाना रहता है या पॉडकास्ट रिकॉर्ड करनी रहती है, तो मैं उसके लिए स्ट्रीम यार्ड यूज़ करता हूँ, विच इज़ थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव। लाइक उसका जो बेसिक प्लान है, प्रोफेशनल प्लान है, इट इज़ एक्सपेंसिव। एंड बेसिक प्लान पे तो यहाँ पर आपको 720p मिलता है। अगर आपको 1080 चाहिए, फुल HD चाहिए, तो यू नीड टू पे अराउंड 3000 पर मंथ। और वहीं पर ही अगर जैसे मैं इस तरह की जो मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करी है, जैसे नीचे यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड उसके बाद यहाँ पर एक आपका ये टिकर चल रहा है, तो ये जो सारे जो मैंने क्वेश्चंस वगैरह चेंज करता रहता हूँ मैं लाइव पॉडकास्ट पे, यहाँ पर ये ऐसा मैंने फ्रेम्स ऐसा सेट करके एक छोटा इधर है, बड़ा इधर है, एंड देन इसी तरीके से इफ़ आई वांट माय गेस्ट टू बी फुल स्क्रीन, तो वो सारे फ्रेम्स वगैरह इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप लोग मैनेज कर सकते हो। नाउ लेट्स गो, ये रहा जैसे मेरा स्टूडियो एंड यहाँ पर आई कैन इन्वाइट अनदर गेस्ट एंड देन उसके बाद मैं लेआउट यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ, मुझे दो ऐसे चाहिए, यहाँ तीन लोगों का चाहिए, ऐसे दो लोगों का चाहिए, तो आई कैन डिसाइड द लेआउट कि कैसा यहाँ पर लेआउट होना चाहिए। और उसके बाद जैसे अगर कुछ कैप्शंस वगैरह, इफ आई वांट टू पुट एनी कैप्शंस, टेक्स्ट वगैरह डालने, क्वेश्चंस डालने, तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन शो एंड देन वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद लाइव चैट, प्राइवेट चैट, ये सब तो अगर जब आप लोग लाइव करोगे उसके लिए, एंड मोस्टली अगर आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह डालने हैं, तो आई कैन पुट अ क्वेश्चन हियर, व्हाट्स योर इनकम, तो आई कैन ऐड कैप्शन। जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो पॉडकास्टिंग के काफ़ी अच्छा है, इससे गेस्ट को भी दिखेगा एंड देन आपका पोस्ट प्रोसेसिंग में एडिटिंग भी यहाँ पर काफ़ी टाइम बचेगा। एंड यू कैन डिसाइड द स्क्रीन कैसे चाहिए, यू कैन क्लिक ऑन स्टार्ट रिकॉर्डिंग, और उसके बाद आप लोग मीडिया वगैरह भी यहाँ से डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो। यू कैन हैव ओवरलेज लाइक दिस, जैसे ऑन एयर वाला आपको ओवरले दिख रहा होगा, तो ये हमारा ओवरले हो गया है। उसके बाद बैकग्राउंड वगैरह डालना हो वो देख सकते हो, आपको कोई एक वीडियो चाहिए स्टार्टिंग में वो डाल सकते हो आप लोग। तो काफ़ी सारे और अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए। तो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करनी है आपको, पोस्ट प्रोसेसिंग में आपको ज़्यादा काम नहीं करना है, तो यू कैन डू दिस। और इसी से आप लोग सेम लाइव भी कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। लेट्स क्लिक ऑन एंड रिकॉर्डिंग, एंड रिकॉर्डिंग हो रही है अभी, काफ़ी पॉलिश्ड और फिनिश प्रोडक्ट है ये। मैंने स्ट्रीमयार्ड यूज़ किया जो कि काफ़ी टाइम तक है एंड दिस इज़ एट पार विथ स्ट्रीमयार्ड। यहाँ पर मेरा वीडियो आ चुका है एंड देन आई कैन एडिट इट हियर, या फिर मैं इसको यहाँ पे शेयर करके डाउनलोड, ये शेयर करने के लिए डाउनलोड वीडियो एंड ऑडियो, ये रहा ओरिजिनल फाइल,
आई कैन डाउनलोड द वीडियो फ्रॉम हियर। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा लाइव स्ट्रीमिंग का, तो यू कैन जस्ट गो टू स्ट्रीम्स एंड रिकॉर्डिंग। सबसे पहले आपको यहाँ पर डेस्टिनेशन अपनी ऐड कर देनी है कि आपको कहाँ पर लाइव स्ट्रीम करना है। एक साथ आप लोग फेसबुक पेज, फेसबुक प्रोफाइल, यूट्यूब, ट्विच, लिंक्डइन, तो एक साथ आप लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे यहाँ पे लाइव जा सकते हो। डेस्टिनेशन के बाद अपकमिंग पे जाके सेटअप लाइव स्ट्रीम, यहाँ पर मैं इवेंट टाइटल डाल लेता हूँ डेमो लाइव स्ट्रीम। उसके बाद डिस्क्रिप्शन यू कैन ऐड कहाँ पर ये रिकॉर्डिंग सेव होनी चाहिए वो सब आप देख सकते हो। थंबनेल एक बढ़िया सा आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हो इसके लिए। एंड यू कैन जस्ट सेटअप डेस्टिनेशन, अलाउ गेस्ट, अगर आपको गेस्ट को गेस्ट अगर आप चाहते हो कि अगर आप किसी को इन्वाइट कर रहे हो और वो भी अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम करे आपके साथ, तो आप यहाँ पर इसको अलाउ कर सकते हो सेटअप डेस्टिनेशन। तो ये एक है, मैं चाहता हूँ कि इस पेज पर मैं करूँ क्रिएट लाइव स्ट्रीम। यहाँ पर आई विल सिलेक्ट मेरा माइक्रोफोन कौन सा रहेगा, मैकबुक का, कैमरा स्टॉप करना है, म्यूट करना है, तो यहाँ से आई विल जस्ट मेरा नाम डाल दूंगा। सेकंड लाइन में मैं डाल सकता हूँ टेक एंथुसियास्ट लाइक दिस, एंटर स्टूडियो। इसके बाद ये यहाँ पर आ चुका है एंड देन जैसे ही मैं यहाँ पर शो ऑन स्ट्रीम करूँगा तो इस तरीके से चला जाएगा। अभी तक ये लाइव नहीं गया, यहाँ पर मैं अपनी स्ट्रीम सेट कर रहा हूँ कि कैसे दिखना चाहिए। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा गो लाइव, यहाँ पर ये लाइव चले जाएगा मेरा इस फेसबुक पेज के ऊपर। इसी तरीके से मैं यूट्यूब पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे साथ में जा सकता हूँ गो लाइव पे। अब ये जो पूरा फॉर्मेट है, ये जो मैंने अभी आपको पॉडकास्ट के लिए बताया था, सेम वैसा ही फॉर्मेट यहाँ पर भी आपको मिलता है। सेम चीज़ें यहाँ पर आप लोग कर सकते हो। स्टार्ट करने से पहले यू कैन हैव अ काउंटडाउन लाइक दिस, उसके बाद आउट्रो इंट्रो नए सेट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो नए वीडियोस, दैट्स इवन बेटर। एंड देन ओवरलेज वगैरह अगर आपको डालने हैं और पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक, इसमें ये सब कुछ आप लोग कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। टेक्स्ट स्टाइल है यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर आपका टेक्स्ट दिखना चाहिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पर कैप्शन से बताया था पहले, तो इफ़ यू वांट टू शो दिस तो किस तरीके से आपका टेक्स्ट दिखा, सेम लाइव में भी चलेगा जैसे पॉडकास्ट में था। इसमें आपको एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे लाइव चैट पर जाओगे तो अगर कोई भी यहाँ पर आपके कमेंट कर रहा है, चाहे वो यूट्यूब पे कर रहा हो, चाहे फेसबुक पे कर रहा हो, ट्विटर पे कर रहा हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर रहा हो, वो सारे कमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जैसे ही यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे शो ऑन स्ट्रीम तो यहाँ पर आ जाएगा। तो जब आप लाइव करोगे लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो यहाँ पर आएंगे, यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, ताकि जो लाइव बाद में देख रहा हो उसको ईजिली समझ में आ जाए कि आप इस पार्ट पर कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। मेरे हिसाब से काफ़ी यूजफुल फीचर है, स्ट्रीम यार्ड को मेनली लोग इसीलिए यूज़ करते थे और अब इसमें आ चुका है तो दैट्स इवन बेटर। प्राइवेट चैट है जो गेस्ट अगर आपको किसी को इनवाइट किया है एंड देन आपको आपस में बात करनी है तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। टेलीप्रॉम्प्टर है तो जैसे ये है एंड यू कैन क्लिक शो, तो अगर जैसे आप किसी को कुछ समझा रहे हो या गेस्ट से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप लोग टेलीप्रॉम्प्टर में डाल सकते हो एंड देन यू कैन क्लिक शो, तो स्क्रीन पे देख करके आप लोग इसको पढ़ सकते हो। ये सिर्फ आप ही को विजिबल होगा, लाइव स्ट्रीम या वेबिनार में रिकॉर्ड नहीं होगा। बाकी यहाँ पर बेसिक सेटिंग्स है शेयर इन्वाइट करने की, स्लाइड्स यहाँ पर आप लोग अपलोड कर सकते हो, जैसे एक PDF है तो ये किसी का रेज्यूमे है तो मैं यहाँ पे शो नहीं करूँगा, तो यहाँ पर आप लोग स्लाइड्स वगैरह डाल सकते हो। बेसिक सेटिंग्स हैं यहाँ पर, कैमरा कैसा रहेगा, ऑडियो कैसा रहेगा एंड शॉर्टकट्स वगैरह, ठीक है। एंड देन अगर आपको यहाँ पे दूसरी स्क्रीन ऐड करनी है यू कैन डू दैट एज वेल, तो आई कैन क्लिक हियर। यहाँ पर जैसे मैं मान लो प्रेजेंटेशन प्ले कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरी प्रेजेंटेशन चलती रहेगी एंड देन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर मेरा चेहरा दिखने लग जाएगा। यू कैन हैव मल्टीपल स्क्रीन्स, यू कैन हैव मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल यहाँ पे सोर्सेस सेट कर सकते हो। यहाँ पे एक कैमरा एंगल दूसरा ले सकते हो, यहाँ पर एक दूसरा कैमरा एंगल ले सकते हो, तो पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, पॉडकास्ट के लिए काफ़ी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे वीडियो होस्टिंग भी आपको मिल जाती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला मैंने वीडियोज अपलोड करके रखे हैं तो यू कैन जस्ट क्लिक हियर। उसके बाद प्लेयर पे जा सकते हो आपको एंड देन यहाँ से आप लोग चाहो तो उसको एम्बेड कर सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, कहीं और प्ले कर सकते हो। यू कैन एम्बेड दिस, यू कैन हैव अ कस्टम डोमेन, उसको एडिट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो इफ यू वांट टू। तो वीडियो होस्टिंग भी है यहाँ पर विच इज़ गुड। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है स्क्रीन रिकॉर्ड करना, तो वीडियो रिकॉर्डिंग पर जाकर के यू कैन क्लिक सिंपल एंड इसमें आप लोग अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा चाहिए, कैमरा प्लस स्क्रीन चाहिए, स्क्रीन प्लस ऑडियो चाहिए, तो यू कैन रिकॉर्ड दिस। मुझे सब कुछ चाहिए, आई क्लिक शेयर, तो यहाँ पर अब मेरा ये वाला फेस भी रिकॉर्ड हो रहा है, मेरी स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रही है। तो काफ़ी सारे यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं किस तरह का आपको लेआउट चाहिए, कैमरा चाहिए, सिर्फ स्क्रीन प्लस ऑडियो चाहिए, तो यहाँ से यू कैन चूज़ दैट। तो फीचर रिच तो ये है ही, लेकिन अब अगर मैं इसको प्रोज एंड कॉन्स में आपको सम अप करके बताऊँ तो पहले हम लोग इसके प्रोज के बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो एडिटर इसका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है, वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन वीडियो एडिटर्स दैट आई हैव यूज्ड। एंड AI टूल्स जो इसके अच्छे हैं, AI कैप्शन बहुत बढ़िया था ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए, और जिस हिसाब से वो कलर कोड के साथ प्रोड्यूस कर रहा था दैट वाज इवन बेटर। AI ऑडियो इसकी अच्छी है, जो भी मैंने AI प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज़ करे AI ऑडियो के, इट इज़ एट पार विद देम। पॉडकास्ट के लिए काफ़ी अच्छा स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर ये हो सकता है। फीचर इस तो है, टेम्पलेट इसमें काफ़ी अच्छे हैं, ओवरले स्टिकर्स, टेक्स्ट के फॉर्मेट्स अच्छे खासे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं।
एंड देन 1080p रिकॉर्डिंग का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। कुछ कॉन्स के बारे में बात करूँ तो बैकग्राउंड नॉइज रिमूवल का ऑप्शन मुझे नहीं दिखा है, कलर ग्रेडिंग के ऑप्शंस नहीं है, तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ इनटू एडवांस वीडियो एडिटिंग तो वो आपको ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। फ्री प्लान इनका है लेकिन उस पर काफ़ी सारे लिमिटेशंस है, तो फ्री प्लान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। AI टू ब्लॉग, AI टू वीडियो, अगेन वो भी कुछ ज़्यादा अच्छे फीचर्स नहीं लगे मुझे। और जो इसमें इमेज के भी कुछ उन्होंने ऑप्शन दिए हैं, यू कैन हैव एडिट इमेजेस, लेकिन वो भी काफ़ी बेसिक है। नाउ कमिंग ऑन टू द बॉटम लाइन, जितने फीचर्स ये दे रहा है एट दिस प्राइस पॉइंट या इनफैक्ट इवन एट देयर रेगुलर प्राइस पॉइंट, वीडियो एडिटर, स्ट्रीमिंग के लिए, पॉडकास्ट के लिए एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, ये सब आपको एक ही पैकेज में मिल रहा है। एंड बिलीव मी, काफ़ी पॉलिश प्रोडक्ट है ये, AppSumo पे पहले भी आया था ये, उसके बाद ये कॉन्स्टेंटली डेवलप हो रहा है एंड आई एम हैप्पी कि AppSumo के आने के बाद में भी ये सर्वाइव कर रहा है और कॉन्स्टेंटली डेवलप हो जा रहा है, नए नए फीचर्स आ रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो काफ़ी पॉलिश हो रहा है। तो इफ़ यू आर अ वीडियो क्रिएटर और अभी तक आपके पास कोई ऐसा टूल नहीं है, तो आई थिंक दिस टूल यू शुड इन्वेस्ट इन, या आप लोग इसको आराम से इसके पैसे वसूल लोगे। आई थिंक यू कांट गो रॉन्ग विद दिस वन, ब्लैक फ्राइडे पे डेफिनेटली टेक एडवांटेज ऑफ दिस। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, वीडियो अच्छा लगा थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय।